हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिमा डी ब्लॉग में। और हमारे घर के सामने हो रहा है भागवत, तो हम लोग आज जाएंगे। भागवत शुरू हो गया है कल से, पर कल हम नहीं गए थे, आज से जाएंगे। कल शुरू क्या हुआ, जैसे शुरू हुआ वैसे पीछे गली में शादी थी, तो इतना ज़्यादा दो दो बाजे वाले, वो डम डम जो बजाते हैं वो थे, इतना तेज डीजे बजा कि सब सन्न हो गए। पंडित वगैरह तो लगता है कान दाब के बैठ ही गए, क्योंकि कल तो ऐसे लग रहा था और तेज बजाते तो पता नहीं कितने घर गिर जाते। और यहाँ एक दुकान वाला था, उसके तो सारे कांच ही चिटक गए, क्योंकि उसके मेन गेट के पास जाके दोनों डीजे बजा दिए ना, तो उसके सारे कांच चिटक गए। और यहाँ भी थोड़ी देर और अगर 2-3 घंटा लगातार यहाँ डीजे बजता तो यहाँ भी वही हाल होता गली में भी। तो कल ठीक से भागवत नहीं हो पाई, तो इसलिए हम लोग जा भी नहीं पाए, पर आज जाएंगे। अभी शुरू हो गया, पर अभी पंडित जी वैसे नहीं कर रहे हैं, भागवत नहीं सुना रहे हैं, बस गाने वगैरह चल रहे हैं। तो थोड़ी देर में जाएंगे, हम सोच रहे हैं 4 बजे जाएंगे। अभी तो 4 बजे भी नहीं, क्योंकि तब तक थोड़ा मौसम भी सही हो जाएगा। बहुत धूप है और धूप के साथ हवा भी चल रही है, तो धूप का पता भी नहीं चल रहा इतना। और यहाँ हमारे छोटे चंद बैठे लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं। आज खेलने नहीं गए, जाने ही नहीं दी मैं, जाने ही, इनके पापा रहते हैं तो ये चले जाते हैं। पूछा है पद्दी नहीं जाने देंगे, पद्दी से कहा था कि, और हर्षित चला गया अपने दोस्त के पास। इसका तेरा दोस्त कोई नहीं है क्या? है, लेकिन वो उसको पता नहीं, घर ही नहीं पता। वाव, भैया को तो हर दोस्त का घर पता है। वहां से बाइक जाता है, बाइक से है ना कुछ खा के आते हैं। अच्छा, तभी तो उसको पता है कि वड़ा पाव की दुकान वहाँ पे क्या। नहीं, वो घूमने ट्यूशन जाता है तो उस तरफ से घूम के आता है ना, इसलिए पता है। खाया भी होगा तो खाया होगा तो खाया होगा, बर्थडे का पैसा मिला था, खाया होगा। इसको बहुत, उसकी इतनी चुगली करता है हर्षित की, चुगलखोर है। 50 रुपए कल पापा दिए थे मुझे ना, पार्लर गई थी तो मैं 20 रुपए ले गई थी एक्स्ट्रा, तो नहीं लगा। हाँ, नहीं 1 रुपये नहीं दूंगी। भूख लगे, घर पे है खाना खाओ, बनाए पूड़ी रखी है, सब्जी रखी है। आज मैं बनाई थी खाने में कद्दू की सब्जी और पूड़ी, जो कि इनके पापा को बहुत पसंद है कद्दू की सब्जी। पहले नहीं खाते थे, पर मैं बना, हाँ उसको कद्दू भी बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो खाए भी और लेके भी गए। पहले नहीं खाते थे, पर मैं एक बार बनाई ना, जरा सा ही बनाई थी, मैं कद्दू लाई थी उसमें सांभर में डालने के लिए, पर थोड़ी सी बच गई थी, ज़्यादा थी तो मैं रख दी, सब्जी बना दी। पर वो खाए तो उन्हें बहुत पसंद आया, तो अब ले आते हैं, बोलते हैं ले आऊँगा कद्दू बनाया करो, तो बनाई तो बहुत अच्छा लगा। वो तीखी है तो मीठा ही होता है। तो बने रहिए गाइस ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद।
है पार्सल, हमें तो उम्मीद भी नहीं था कि इतना जल्दी आ जाएगा, 3 दिन में ही आ गया। और ये हम लोग फ्लिपकार्ट से लिए 3 बैग और हमें काफ़ी अच्छा रेट में मिल गया और डिस्काउंट भी मिल गया, तो अच्छे रेट में। पर दुकान में जाओ तो बहुत महंगा मिलेगा, हम लोग पता भी किए तो वहाँ 6,000 का एक मिल रहा था, ये बड़ा वाला जो है 6,000 का मिल रहा था, तो हम लोग नहीं लिए। फिर हम लोग फ्लिपकार्ट पे देख रहे थे तो हमें अच्छा रेट मिल गया और अच्छे खासे रेट में 3 बैग मिल गया और अच्छे क्वालिटी के, अच्छे कंपनी के। तो यहाँ हम लोग शादी में जाने के लिए 3 बैग लिए, क्योंकि अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं तो बच्चों के भी बहुत सारा कपड़ा रहता है और अब बच्चे भी बोलते हैं हमारा बैग अलग पैक होना चाहिए, तो हमें 3 बैग का ज़रूरत था। और ये जो छोटा वाला है तो छोटू बोल रहा है नहीं मम्मी ये छोटा वाला तो मेरा ही है, इसमें तो मेरा ही कपड़ा रहेगा। मैं बोले ठीक है चलो तेरा ही कपड़ा रख दूँगी, पर ये पापा के काम का है, जैसे पापा मीटिंग में जाते हैं 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर, तो उनको ज़रूरत पड़ती है इतने बड़े बैग का। तो बोला नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं इसमें अपना कपड़ा रखूंगा। तो इस छोटे वाले बैग को लेके दोनों बच्चों में लड़ाई भी हो गई। तो गाइस आज मैं गई थी भागवत कथा सुनने और वहाँ जाके इतना अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है। कल तो मैं नहीं गई थी, कल से ही शुरू है, जस्ट मेरे घर के सामने ही हो रहा है, तो कल तो नहीं गई क्योंकि कल यहाँ डीजे वगैरह बजा था, उससे फिर मुझे जाने का मन नहीं किया क्योंकि सर में दर्द हो गया तो जाने का मन नहीं किया। आज गई तो मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लग रहा था बस करो यहाँ बैठ के सुनते रहो, ऐसे लग रहा था ख़त्म ही ना हो भागवत, चलती रहे। पर टाइम है उस भागवत का भी एक टाइम होता है, 24 घंटा तो महाराज जी बैठ नहीं सकते। तो सुन के बहुत, भागवत कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत समझ आता है, समझाते हैं बहुत अच्छे से, समझाते हैं कि समझ आता है। तो मैं तो गई थी, थोड़ा लेट गई, 3 बजे से भागवत शुरू होता है, मैं 5 बजे गई थी और 6:30 के 7 बजे ख़त्म होता है, आरती वगैरह होता है 7:30 बजे। तो उसके बाद आई, थोड़ा बातें चीते औरतें थी जो काफ़ी टाइम बाद मिली थी, तो सब से थोड़ी बहुत बातें हुई और उसके बाद आए जैसे ऊपर। तो हम लोग बैग ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से, तो बैग भी फ्लिपकार्ट वाला भी आ गया और अभी बज रहा है 9:30। और अभी मैं थोड़ी देर पहले जैसे मैं पूजा करने जा रही थी तो फ्लिपकार्ट वाला आ गया, तो फिर मैं सोची चलो अभी सब निपटा देती हूँ, ले लेती हूँ बैग वगैरह और उसके बाद पूजा करती हूँ। तो अभी मैं जस्ट पूजा करके बैठी हूँ, अब मैं चल रही हूँ खाना बनाऊँगी और आज मैं पूरी सब्ज़ी बनाई हूँ, तो शाम को तो पक्का है कि सब दाल चावल ही खाएंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले पतिदेव का फ़ोन आया था तो वो भी बोल रहे थे कि खाने में दाल चावल बनाओ, और बच्चे भी बोल रहे हैं कि मम्मा दाल चावल बनाना, अब मुझे भी खाने का मन है दाल ही चावल हल्का खाना, जब पूरी खा लो ना तो ऐसा खाना कुछ खाने का मन नहीं करता, बस हल्का खाना। किसी का फ़ोन आ रहा है, बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं आप लोगों से बात करने के बाद फ़ोन पे। कल क्या ले जाओगे, भिंडी बना दो कल, मसाला भिंडी रसेदार तो ना बना दो, रसेदार बना दो। कल हम बनाएंगे रसेदार भिंडी की सब्जी। बाय, गुड नाइट चिम्मू, आई चिम्मू गुड नाइट। ये छोटू का दोस्त है और बेचारा गंदा हो रखा है, इसको धुलना है। ओ चिम्मू लाला, और देखो छोटू ने ना बैग जो आया था उसमें टेप लगा था तो इसमें चिपका दिया है। ये चिम्मू हमारा बैठा रहता है इन्वर्टर पे बेचारा, इसका चश्मा लगा था छोटू ले गया, तोड़ ताड़ के फेंक दिया गुस्से में। तो अभी बज गए हैं 12:00 और मैं खाने में आज बनाई थी रोटी और सब्जी बाहर से लेके आए थे क्योंकि इनको पनीर खाना था, तो ये बाहर से पनीर पैक कर ला के लाए थे और घर पे मैं रोटी बनाई। पहले तो दाल चावल बोले थे, फिर पता नहीं क्या मन में आया कि बोले कि मैं पनीर लेके आ रहा हूँ, ऑफिस से आते ही लेके आए थे और रोटी बना दो, तो फिर मैं रोटी बनाई, हमारा खाना पीना हो गया
और बर्तन भी धुल ले, सारा साफ सफाई किचन का हो गया। अब चल रही हूँ सोने, क्योंकि नींद बहुत तेज आ रही है। दोपहर में नहीं सोती हूँ, बिल्कुल आदत भी नहीं है दोपहर में सोने के, इसलिए और नहीं सोती हूँ। कभी कभार भले सो जाऊँ, वैसे आदत नहीं है हमारे सोने के। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, गुड नाइट।